हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एक स्टोरी लेके आया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले वाली स्टोरी, जिसका नाम है डेल कार्नेज अ ब्रीफ स्टोरी, जो पब्लिश हुई है, देखी होगी और मुझको आशा है कि आपको वो पसंद भी आई होगी। उसी श्रृंखला में आज ये दूसरी स्टोरी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वो स्टोरी डेल कार्नेज, ये जैसे मेरे कॉलेज में हुई थी, मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हुई थी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तब हुई थी। ये स्टोरी प्रैक्टिस जब करते थे हम लोग, या अभी भी प्रैक्टिस करता हूं मैं, लेकिन कई साल पहले जब प्रैक्टिस करते थे तब की बात है ये। इत्तेफाक से उन दिनों में मैं मेरे प्रकाश नामक एक क्लासमेट के चेम्बर में गया था उसे मिलने के लिए। वो प्रैक्टिस करते थे वहां पे और हम लोग कुछ बातें कर रहे थे और वो पेशेंट्स भी देख रहे थे, उनके पेशेंट्स चल रहे थे, ओपीडी चल रही थी उनकी। उतने में हमारे एक आकाश नाम का दोस्त आया और वो हमको ज्वाइन किया। हमें पता नहीं था वो आने वाला था, वो एक्सीडेंटली उसने सोचा, चांस लिया और वो मिलने के लिए आया। अब जैसे वो बातें चलने लगी तो धीरे धीरे हमें दोनों को ये मालूम हुआ कि कोई एक विशेष एजेंडा लेकर के आकाश हमारे पास में आया था। थोड़ी सी बात हाय हेलो की जैसी हुई, इंट्रोडक्शन की इंट्रोडक्टरी जो रिमार्क है वो जैसे हुए, उसके बाद में आकाश ने हम दोनों को ये बोला इन शब्दों में कि यार, ये अपना डॉक्टरी प्रोफेशन जो है ना, ये बहुत टैक्सिंग है। हमने पूछा कैसे? वो कह रहा था कि देखो, ना दिन रहता है ना रात रहती है, 24 घंटे पेशेंट आते रहते हैं, ना कोई फैमिली टाइम हमारे पास में है, ना कोई प्राइवेट टाइम हमारे पास में है। अगर कभी इमरजेंसी आई, कोई पेशेंट आया तो ना नहीं कह सकते, वो जाना ही पड़ता, अटेंड करना ही पड़ता। हम दोनों को ये पता है, तब पता था कि जैसे हमारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, वैसे इस आकाश की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा कर रहा था। और वो सर्जन था, मतलब वो सर्जन है, तो हम दोनों तो फिजिशियन है, हम एक पेशेंट के बाद में दूसरा पेशेंट देखते हैं। उन लोगों का वैसा नहीं है, वो एक सर्जरी करता है तो सीधा 50,000-1,00,000 रुपए उसके सर्जरी के पैसे चार्ज होते हैं। तो ये सारी बातें हमको पता थी कि नाम भी उसका बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा है और पैसे भी उसको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। फिर भी वो ये कह रहा था कि ये डॉक्टरी प्रोफेशन में कुछ नहीं पड़ा है, ये बेकार है, ऐसा वैसा। फिर नेचुरली हमने पूछा, तो तेरा कहना क्या है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है, जिसमें आपको मेंबर बनाने पड़ते हैं और फिर जो बने हुए मेंबर्स है वो कुछ काम करते हैं और मेंबर बनाते हैं या सेल करते हैं, उसमें से फिर आपको पैसा मिलता है। और ये आइडिया उसको बहुत भाई और उसने वो कंपनी ज्वाइन कर दिया। उस कंपनी का जो उसको प्रॉफिट हो रहा था, जो उसका काम वहां चल रहा था, उसके कारण उसे ये लगने लगा कि डॉक्टरी व्यवसाय अब उसने बंद कर देना चाहिए, उस कंपनी में फुल टाइम ज्वाइन करना चाहिए मार्केटिंग कंपनी में। और ये बात वो हमें समझाने आया था और हमें कन्विंस कर रहा था कि हम दोनों ने भी उसके जैसा प्रयोग करने की जरूरत है। हम दोनों का इमीडिएट रिप्लाई निकला हमारे मन से, हमारे मुंह से, कि नहीं देख भैया, हमने तो डॉक्टर बनने का बहुत बचपन में सोचा था, मैंने भी बहुत बचपन में सोचा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। और डॉक्टर बनने के बाद में अब जो प्रैक्टिस हम कर रहे थे, जो अनुभव हमने लिया था और जो पेशेंट लोगों का प्यार और जो उनका रिस्पॉन्स हमको मिल रहा था, काम करने का जो आनंद हमको मिल रहा था, उसमें से जो सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा था, उसके कारण हमने इमीडिएटली उसे इस बात को डिक्लाइन किया। हमने उसे कहा नहीं, हम डॉक्टर बनने की इच्छा से इस दुनिया में आए हैं या आगे बढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं, अब हमें डॉक्टर कहलाते हुए डॉक्टर ही के भूमिका में मरना है, हम जिंदगी भर डॉक्टर ही करेंगे, मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर के और कोई प्रोफेशन करने का, कोई एक्टिविटी करने का हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है, चाहे फिर उसमें कितने भी पैसे मिलने वाले हो या उसका रंग रूप कुछ और हो, वगैरह वगैरह। वो हक्का पक्का हो गया, उसने हमको और कोशिश किया समझाने की, कन्विंस करने की, लेकिन हम दोनों टस से मस ना हुए। उसका कारण भी ये था कि मेडिकल प्रोफेशन में हम उससे पैसे कम कमा रहे थे,
लेकिन हम लोगों की जो समाधान जो था वो कई अधिक था हमारे नजरों में, और इसीलिए हमने ये सोचा था और उसको बताया कि नहीं, हम हमारा व्यवसाय छोड़ करके, हमारा प्रैक्टिस छोड़ करके, मेडिकल प्रोफेशन छोड़ करके और किसी जगह में आना नहीं चाहते। पार्ट टाइम भी हम काम नहीं करना चाहते मार्केटिंग कंपनी के लिए या किसी और काम के लिए। उसका कारण यह है कि अगर हम जो काम ये कर रहे हैं, ये काम अगर हम करते रहेंगे तो हमारे आज के जो रिजल्ट्स है, हमें आज का जो समाधान मिल रहा है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सालों में बढ़ते जाएगा, जो कि हुआ भी वैसा। फिर वो चला गया और ये मेरी स्टोरी भी खत्म हो गई। छोटी सी स्टोरी है, इसका एक मॉरल है जो मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूं। इस स्टोरी का मॉरल ये है मित्रों, देखिए हम तीनों भी डॉक्टर हैं, हम तीनों ने पढ़ाई किया, हम तीनों के नंबर लगे, मार्क्स आए और हम मेडिकल कॉलेज में गए, ग्रेजुएशन हुआ, फिर हमने दो तीनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अपने अपने प्रैक्टिस सेट किया और अपना अपना काम करने लगे। हम तीनों भी यशस्वी डॉक्टर कहलाते कहलाते हैं और लोग हमें जानते हैं कि हम बड़े यशस्वी डॉक्टर हैं। फिर भी हम में से किसी एक के मन में ये विचार आया कि वो जो कार्य कर रहा है, जो मेडिकल प्रोफेशन का कार्य या जो भी करियर उसका है, उसे उसने चेंज करना चाहिए, या और कोई करियर उसके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है, इस करियर से ज्यादा अच्छा हो सकता है। मोरल ये है स्टोरी का कि ऐसा हर किसी के मन में विचार आ सकता है, ये घटना हर किसी के साथ में हो सकती है, और उस पर आप अमल करोगे या ना करोगे ये निर्भर करता है एक चीज पर, जो आज की स्टोरी का मोरल है, और वो है आप जो चाहते हो वही अगर आप करते हो तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते जाओगे, सक्सेस के मायने में ज्यादा समाधानी भी होते जाओगे। तो समाधान, मन की शांति और सक्सेस, ये तीनों चीजें अगर आपको चाहिए तो मित्रों आपने ऐसी चीज चुनना चाहिए जीवन में करने के लिए जिससे आपको लगाव है, मतलब आपको चाहते हो वो करने की, आपकी इच्छा है वो करने की, और आप लाइक करते हो उस चीज को और अच्छा भी करते हो, मतलब आप जो कर रहे हो वो लाइक भी होना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए और अच्छा भी करना चाहिए, मतलब व्हाट यू लाइक यू शुड बी डूइंग बेस्ट, या व्हाट यू डू बेस्ट यू शुड बी लाइकिंग। अगर आपका काम, आपका कार्य और आपकी चाहत मिल जाए तो इसके जैसा सौभाग्य आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी अगर आपने कोई करियर सिलेक्ट किया है तो ये जरूर देखिएगा कि क्या वो करियर आप सच में मन से चाहते हो वैसा करना, और दूसरी बात, क्या आप सबसे बेस्ट तरीके से, मतलब आप बाकी जो चीजें कर सकते हो उनमें से बेस्ट तरीके से क्या वो करियर या क्या वो जॉब कर सकते हो, जो चीज आप सबसे अच्छी करते हो और जो चीज और वही चीज अगर आप ज्यादा चाहते हो तो आप समझिएगा आपने करेक्ट सिलेक्शन किया है। सो यही मोरल मैं आपके सामने लेके आया हूं मित्रों, आशा करता हूं कि ये संदेश आप में से कई लोगों के बहुत लाभदायी होगा, काम में आएगा। थैंक यू सो मच।